तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग अपने कस्टमर के पैन कार्ड को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में बना सकते हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना बनाया हुआ पैन कार्ड है, ये मेरे नाना ही के एक्चुअल में पैन कार्ड है। इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे नाना की एप्लीकेशन है, इसको मैंने सबमिट किया था। आप लोग देख लीजिए, मैं इनका टाइम आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर जब मैं टाइम पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 22 दिसंबर 2022 में मैंने 12:53 दिन में मैंने 12:53 पे इस एप्लीकेशन को सबमिट किया था, 22 दिसंबर को ही। यहाँ पर आप देख लीजिए इनकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है 111952, और यहाँ पर मेरे नाना का नाम मोहम्मद जलील है, यहाँ पर लिख के आ चुका है। उसके बाद जैसे मैं बैक करूँगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरा मेल भी उसी डेट का दिख रहा है, आप लोगों को 22 दिसंबर का ये भी दिख रहा है, और ऊपर वाला मेल भी आप लोगों को 22 दिसंबर का ही दिख रहा है। आप लोगों को मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इनका पैन कार्ड नंबर जनरेट होकर आ चुका है, पैन कार्ड नंबर जनरेट होकर आ चुका है। और टाइम पता है कितना लगा, 12:51 उधर हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये मेल मुझे कब मिला, 22 दिसंबर को ये भी 14:38 मतलब 2:38 पर मिला, उधर 12:52 पर और इधर 2:38 पर, मतलब टोटल 1 घंटे कुछ मिनट में मिल गया। टोटल 2 घंटे का भी टाइम नहीं मिला, उससे पहले ये मेल मिल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं टेक एफजेड एफजन से वैकेंसी जुड़ी एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र ओपन कर रखा है तो कभी ना कभी कोई कस्टमर आपके पास ऐसा ज़रूर आया होगा जो बोला हो भाई मुझे अपना पैन कार्ड बनवाना है लेकिन बहुत अर्जेंट में चाहिए। तो आप सभी लोगों में से शायद सबको ना पता हो कि आप लोग किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 2 घंटे में एक पैन कार्ड बनाया है, और आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा जिससे आप सभी लोग सीख सके कि आप लोग अपने किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों को जनसेवा केंद्र से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंडीशन जान लेते हैं कि आपके कस्टमर के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे आप उसका पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में बना सकें। तो कोई भी ज़्यादा खास कंडीशन नहीं चाहिए, बस आपके कस्टमर के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके आधार कार्ड में जो उसका मोबाइल नंबर लिंक है ना वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे 2 बार OTP जाएगी तभी उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, और 2 घंटे के बाद आप लोग जो भी मेल ID डाले होंगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, मतलब पैन कार्ड बनाते टाइम जो भी मेल ID डाले होंगे, उस मेल ID पे 2 घंटे के बाद या 2 घंटे के अंदर अंदर पैन कार्ड का नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। साथ ही साथ PDF भी आ जाएगी जिसमें आप लोगों के पैन कार्ड का नंबर होगा, और पूरा पैन कार्ड बन के जैसे आता है ना PDF में उसी तरीके 2 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। आपको मैं आगे वीडियो में प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैंने जिनका भी पैन कार्ड बनाया था 2 घंटे में उनका PDF भी बन के आता है और उनका जो पैन कार्ड है ना उनका नंबर भी 2 घंटे के अंदर जनरेट होकर आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें और है जो आप लोगों को अपने कस्टमर्स को बतानी पड़ेगी। जो ये पैन कार्ड होता है ना 2 घंटे वाला, ये आपके आधार बेसिस पे होता है, मतलब जो आपके आधार कार्ड में फोटोग्राफ है ना वही फोटोग्राफ उस पैन कार्ड पे आपके छप के आ जाता है जो भी आप 2 घंटे में बनाते हैं पैन कार्ड किसी भी कस्टमर का। और जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन होता है ना वो इसमें नहीं रहता है, क्योंकि सिग्नेचर आपको कहीं अपलोड करने को बोलेगा ही नहीं, तो पैन कार्ड पर जो सिग्नेचर वाली स्पेस होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। जैसा आप लोगों को साइड में स्क्रीनशॉट में दिख रहा है ना प्रूफ में, उसी तरीके आपका पैन कार्ड बन के आएगा। बस आपका क्या होगा, आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, आपके फादर का नेम होगा, सिग्नेचर वाली ऑप्शन आप लोगों की ब्लैंक होगी। वहाँ पर जब आपका पैन कार्ड आ जाए ना तब आप किसी भी अपने पेन से या परमानेंट मार्कर से आप लोग वहाँ पर साइन वगैरह कर सकते हैं अपनी, वो बिल्कुल वैलिड रहेगा। ये भी पैन कार्ड जो है ना आपका हर जगह पर वैलिड है, कहीं पर भी ये पैन कार्ड इनवैलिड नहीं है, क्योंकि ये पूरा आपके आधार बेसिस पर होता है। इसकी जो भी KYC होती है ना वो आधार कार्ड से आपकी होती है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर डिटेल आपके आधार कार्ड की होती है। तो अब मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग अपने किसी भी कस्टमर का अर्जेंट पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों 2 घंटों में अपने कस्टमर का पैन कार्ड बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर में आ जाइएगा, चाहे आप क्रोम ब्राउजर में आ जाइए या किसी भी ब्राउजर में अपने एक अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में आना है और सर्च में आप लोगों को सर्च करना है NSDL पैन कार्ड, जैसा आप लोगों को लिखा दिख रहा है सेम टू सेम आप लोगों को ये लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों के सामने पहली वेबसाइट आएगी जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने थोड़ी देर लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आप लोगों के सामने अभी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ये एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नीचे आना है और पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है एप्लीकेशन टाइप का, आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसमें न्यू पैन कार्ड सिलेक्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों को आगे 2 ऑप्शन दिखेगा कि इंडियन पैन कार्ड, एक फॉरन पैन कार्ड। फॉरन वाला उन लोगों के लिए जो इंडिया के हैं लेकिन किसी बाहर कंट्री में रहते हैं, और इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोग ये चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद जो कैटेगरी का ऑप्शन आना है इस पर क्लिक करना है और आप लोगों को इंडिविजुअल चूज कर देना है, क्योंकि 90% आदमी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल के अलावा अगर आप किसी का भी पैन कार्ड बना रहे हो किसी कंपनी का वगैरह का तो आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिख जाते हैं, आप लोगों को यहाँ पर इंडिविजुअल चूज कर देना है।
उसके बाद आप लोगों को टाइटल में आना है। टाइटल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो टाइटल होगा ना, जैसे अगर कोई मेल है तो उसका मिस्टर आ जाएगा, अगर कोई फीमेल है तो मिसेज आ जाएगा, अगर कोई फीमेल ऐसी जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके आगे कुंवारी आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं टाइटल में यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो अभी मैं जो मेरा कस्टमर है वो एक जेंट्स है, तो यहाँ पर मैं श्री चूज किए ले रहा हूँ, और लास्ट नेम में उसके कस्टमर का लास्ट नेम मैं इंटर किए दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने उसका लास्ट नेम इंटर कर दिया। और जो उसका फर्स्ट नेम है ना, यहाँ फर्स्ट नेम में उसका फर्स्ट नेम इंटर किए दे रहा हूँ, जिसका नाम है मोहम्मद रिहान। तो आप लोग देख लीजिए, मोहम्मद मैंने फर्स्ट नेम में इंटर कर दिया, लास्ट नेम में रिहान इंटर कर दिया। अगर बीच में कोई नेम होता तो वहाँ पर मिडिल नेम कोई यहाँ पर ऑप्शन है वो भी मैं इंटर करता। यहाँ पर आप ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर मुझे अपने कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। ये एक नॉर्मली टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, इसी के बेसिस पे अगर आप बाय द वे बैक हो जाते हैं ना, तो आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा दे रहा हूँ, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/04/2002। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी याद रखनी है, और ये जो डेट ऑफ बर्थ डाली है ना ये याद रखनी है, क्योंकि आप अगर बाय द वे बैक हो जाते हैं इस जगह से, दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब आप लोगों को ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर डाल के आप दोबारा से यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाले दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर भी इंटर किए दे रहा हूँ। पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था ना, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये जो टिक वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर टिक पर क्लिक करना है, उसके बाद मुझे हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, और ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मुझे ये इंटर करना है। तो ये लिखा हुआ है WK34L, यहाँ पर मैंने एक कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगा, और यहाँ पर देख लीजिए एक टोकन नंबर बन के आ चुका है, यही रजिस्ट्रेशन टोकन नंबर है। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, इसलिए इसको किसी डायरी में आप लोग सही से लिख लीजिएगा। बाय द वे आप बैक हो जाते हैं तो आप लोगों को ये टोकन नंबर भी इंटर करना पड़ेगा अपनी पैन कार्ड की एप्लीकेशन को दोबारा चालू करने के लिए। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए ये टोकन नंबर आ चुका है, आप लोग इसको कहीं पर भी या तो इसका फोटो खींच के रख लीजिए या कहीं पर इसको लिख के रख लीजिएगा। तो जब आप लोग इस टोकन नंबर को लिख लीजिएगा, उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा पैन कार्ड का। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक सबमिट डिजिटल थ्रू EKYC, दूसरा है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू eSign, तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन नहीं चूज करना है, आप लोगों को सिर्फ ये वाला ऑप्शन चूज करना है, अगर आप लोगों को 2 घंटे में पैन कार्ड अपने कस्टमर का बनाना है तब। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC eSign। अब आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। क्या आप जिस कस्टमर का पैन कार्ड बना रहे हैं उसको जो प्लास्टिक का फिजिकल पैन कार्ड होता है वो चाहिए? तो आप लोगों को यहाँ पर इसको यस ही रहने देना है। यस होने के बाद आप लोगों को इंटर लास्ट 4 डिजिट लिखा हुआ ना आधार का, यहाँ पर आप लोगों को अपने कस्टमर के जो लास्ट 4 डिजिट है आधार कार्ड के वो इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं इंटर किए दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने कस्टमर के लास्ट 4 डिजिट इंटर कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है, आई हेयर बाई एग्री द माई फोटोग्राफ आर अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन माई पैन कार्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपकी जो फोटो आपके आधार कार्ड पे लगी हुई है वही आप चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड में लग जाए? तो आप लोगों को इसको सेलेक्ट करना है और इसको यस कर देना है। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो आप लोगों का 2 घंटे में पैन कार्ड नहीं तैयार होगा। तो जब आप इसको यस कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को नीचे आना हो, यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ रहा है नेम एज पर ऑन आधार, आप लोगों को इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का ये आधार बेसिस पे ही बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका आधार वाला नेम ले लेता है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों को श्री दिख रहा होगा, मोहम्मद रिहान दिख रहा है, जैसे आप नेम लिखेंगे ना वो नेम दिखेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है नेम दैट यू विड प्रिंटेड लाइक ऑन प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, ये नेम जो है ना वो पैन कार्ड के ऊपर छप के आएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पर देख लीजिए मोहम्मद रिहान लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। डेट ऑफ बर्थ मैंने देख लिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जेंडर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके क्लिक करके मुझे मेल चूज करना पड़ेगा। मेल चूज करने के बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद मुझे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, हैव यू एवर नोन बाई अनदर नेम, तो ये नो है, आप लोगों को इसको नो ही रखना है कि आपको किसी और नाम से नहीं जाना जाता है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है वेयर मदर इज अ सिंगल पेरेंट, क्या आपकी जो माँ है वो अकेली है, मतलब कोई आपके फादर नहीं है या माँ अकेली रह के आपको पाल रही है, तो इसको भी आप लोगों को नो रखना है। अगर आप फादर आपके साथ में रहते हैं तो नो रखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बस अपने फादर का नेम लिख देना है, जैसे आप अपने फादर का नेम लिख देंगे ना, वो फादर नेम आप लोगों के पैन कार्ड के ऊपर छप के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनके फादर के नेम लिखे दे रहा हूँ, फादर के इनके लास्ट में लगता है अहमद, तो मैंने अहमद कर दिया, और जिनका फर्स्ट नेम है फादर का वो है शकील, तो मैंने शकील कर दिया, क्योंकि फादर का नेम है शकील अहमद, फर्स्ट नेम है शकील, फर्स्ट नेम आ गया और अहमद आ गया लास्ट नेम में।
तो जब आप फादर का नेम भर चुकेंगे, आप लोगों को नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है ना, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सैलरी के सोर्स ऑफ इनकम का। ये आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आप लोगों को क्या कर देना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ज्यादातर लोगों को आप यही चूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेपरेट इनकम सोर्स नहीं रहता, सबको बिजनेसमैन नहीं होता, सबको सैलरी वाला नहीं होता, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रख दीजिएगा। अगर किसी को सैलरी मिलती है तो आप इसको सैलरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को रेंट वगैरह मिलता है तो आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई भी इनकम सोर्स आप लोगों का मैचिंग का नहीं है तो आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को रेसिडेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, तोड़ फोड़ के आप लोगों को जो आधार कार्ड पर एड्रेस पड़ा हुआ ना वही इंटर कर देना रहता है, लेकिन आप जब ये वाला पैन कार्ड बनाएंगे आधार कार्ड वाला, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ लिया होगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिटेल भर नहीं पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा, सब में बैन का निशान बन रहा है रेड कलर का, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो नीचे आ जाना इसको छोड़ते हुए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ ना, यहाँ पर आप चाहें तो अपने हाउस का जो भी एड्रेस है उसको लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, नेम ऑफ ऑफिस में आप अपने जो भी आप लोगों का शहर लगता है, जैसे मेरा एरिया लगता है लकड़ा बाग, तो मैंने यहाँ पर लकड़ा बाग रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने लकड़ा बाग रख दिया। उसके बाद फ्लैट, नेम ऑफ प्रिजन, रोड, एरिया और टाउन सिटी, ये जो आप लोगों के 5 ऑप्शन है ना, ये जो 5 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें आप लोग अपने आधार कार्ड का एड्रेस ही थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा, जिससे जो भी एड्रेस, जैसे नियर हनुमान मंदिर या जो भी होगा ना, तो आप उसको यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। चाहे तो आप इंटर करें, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का जो आधार पर एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेता है आप लोगों का रेसिडेंट एड्रेस में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपके घर तक आराम से पैन कार्ड पहुँच जाएगा। फिर नीचे आप लोगों को आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा कंट्री कोड का, आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिया सिलेक्ट कर देना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों का जो एरिया स्टडी है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। टेलीफोन नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने टेलीफोन नंबर क्या लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा ना, आप लोगों को ये ईमेल आईडी भी ध्यान रखना है कि आप लोगों ने क्या ईमेल आईडी लिखी है। आप लोगों को अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है और कस्टमर की ही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि 2 घंटे बाद जो आप लोगों का पैन कार्ड बन के आएगा ना, वो उसी मेल आईडी पे आएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर मेल आईडी बिल्कुल सही इंटर की हो। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप लोगों का एक गाइडलाइंस वाला टिक हो जाएगा, पर्सनल डिटेल वाला टिक हो जाएगा, आप लोगों का कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल वाला भी टिक हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों का एओ कोड वाला ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, बस नीचे जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा ना इंडियन सिटीजन, आप लोगों को इसको चूज करना है। जैसे आप इसको चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा स्टेट का, आप लोगों को इसको चूज कर देना है। स्टेट को चूज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना, जो भी हो। मेरा उत्तर प्रदेश स्टेट लगता है तो मैंने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया। सिटी के ऑप्शन में आना है। सिटी के ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर, मेरा सिटी बाराबंकी लगता है तो यहाँ पर मैं बाराबंकी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बाराबंकी ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों को जो भी सिटी हो सिटी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे, इधर टिक कीजिए, यहाँ पर देखिए आप लोगों का एरिया कोड, एओ टाइप और सबको सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों का एओ कोड वाला भी ऑप्शन टिक हो चुका होगा। अब आप लोगों के डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन बचा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पहले से आधार कार्ड है, प्रूफ ऑफ एड्रेस पहले से आधार कार्ड है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी पहले से आधार कार्ड है। बस आप लोगों को अपने कस्टमर की एक आधार कार्ड की फोटो स्कैन करके रख लेनी है अपने कंप्यूटर में। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हिमसेल्फ और हरसेल्फ का, आप लोग इसको चूज करेंगे। जैसे आप चूज करेंगे तो जिसके नाम का आप पैन कार्ड बना रहे, वो नाम यहाँ पर लिख के आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो भी नाम आपके पैन कार्ड पर छप के आने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। बस आप लोग सारी डिटेल सही से भरिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप लोगों को एक प्लेस का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर अपने शहर का नाम डाल सकते हैं। मेरी सिटी का नाम है बाराबंकी, तो मैं यहाँ पर अपना बाराबंकी इंटर किया दे रहा हूँ। आप लोगों का जो भी सिटी का नाम हो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर आप लोगों को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों को कुछ भी छूटा रह गया होगा तो यहाँ पर आप लोगों को बताएगा काइंडली फिल द मैंडेटरी फील्ड हाईलाइटेड इन रेड। तो मैं ऊपर जाके देख ले रहा हूँ, देखिए कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल में मेरी कुछ डिटेल्स रहेगी। मैं इस फॉर्म पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो हाईलाइट होगा पहले से क्या चीज मुझे भरनी थी। ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑफिस एड्रेस जो है ना, मुझे ये भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको भर के मैं आप लोगों को आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा एड्रेस फिल कर दिया है। एड्रेस फिल करने के बाद अब मुझे दोबारा से यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे नीचे आके जो सबमिट बटन है ना, यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख लीजिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड प्लीज कन्फर्म। अब मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को कन्फर्म करना है कि मैंने जो जो भरा है वो सब सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर आप पहले ऑप्शन बता रहा है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। अब मुझे अपने आधार कार्ड जो मेरे कस्टमर का ना उसकी शुरुआत के 8 अक्षर इंटर करना है। जैसे अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने 4 डिजिट लास्ट के इंटर किए थे, अब शुरुआत के 8 डिजिट इंटर करो। तो 6, 7,
तो यहाँ पर मैंने अपने कस्टमर का जो लास्ट के 8 डिजिट है ना, इनको मैंने सॉरी स्टार्टिंग जो 8 डिजिट है मैंने इनको एंटर कर दिया। आप नीचे आके देख लीजिए, मैंने नेम देख लिया, नेम बिल्कुल सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मेल फीमेल जेंडर सही है, नेम पैन कार्ड पे छप के आएगा, फोटोग्राफ भी आधार कार्ड वाली छप जाएगी, ठीक है, और पैन कार्ड फिजिकल वाला चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल मैं यहाँ पर चेक करूँगा। देखिए फादर का फर्स्ट नेम शकील अहमद, ठीक है, उसके बाद इनकम सोर्स, रेसिडेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर और एओ कोड, सारी डिटेल मुझे सही लग रही है। आप मुझे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब देख लीजिए आप लोग सब कुछ सही हो तो आप लोगों को प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है कि आप लोगों को जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख के आ जाएगा 106 रुपये। आप लोगों को 106 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप अपने कस्टमर से चाहे तो जल्दी बनाने की वजह से 200 ले सकते हैं, 250 ले सकते हैं, जैसे आपके एरिया में नॉर्मल चार्ज होता हो ना उस तरीके आप अपने कस्टमर से चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जब यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा ना पेमेंट वाला, तो यहाँ पर पेमेंट का आप लोग पेटीएम वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने पेमेंट का एक गेटवे आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप चाहें तो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे यहाँ पर दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएगा एक नई वेबसाइट पर। नई वेबसाइट पर जब रिडायरेक्ट होगा तो वहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन आएगा। आप लोगों को जो भी कस्टमर आप लोगों के पास है उसका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है उसके मोबाइल नंबर पर 2 बार OTP आएगा। अब वो 2 OTP इंटर करिएगा। जैसे आप OTP इंटर कर देंगे आप लोगों की फॉर्म सामने ओपन होकर आ जाएगी, और 2 घंटे के बाद आप लोगों का जो जीमेल होगा ना उस पर आप लोगों का जो भी आप लोगों ने जीमेल डाला होगा अपने कस्टमर का, उस मेल पे 2 घंटे के बाद आप लोगों का जो पैन कार्ड होगा कस्टमर का वो बन के आ जाएगा। इस तरीके आप अपने किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में बना सकते हैं। कस्टमर का ये भी दिख रहा है और ऊपर वाला मेल भी आप लोगों को 22 दिसंबर का ही दिख रहा है। आप लोगों को मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इनका पैन कार्ड नंबर जनरेट होकर आ चुका है, पैन कार्ड नंबर जनरेट होकर आ चुका है। और टाइम पता है कितना लगा, 12:51 उधर हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये मेल मुझे कब मिला, 22 दिसंबर को, ये भी 14:38 मतलब 2:38 पर मिला, उधर 12:52 पर और इधर 2:38 पर, मतलब टोटल 1 घंटे कुछ मिनट में मिल गया। टोटल 2 घंटे का भी टाइम नहीं मिला, उससे पहले ये मेल मिल गया। और दूसरी बात, इसमें आप लोगों को पैन कार्ड की PDF भी मिलती है। मैं आप लोगों को PDF भी डाउनलोड करके नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये PDF मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ये डाउनलोड हो जाए तो मैं आप लोगों को उसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ये मेरे नाना का पैन कार्ड है। पैन कार्ड जैसा मैंने आप लोगों को भी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, जो आप लोगों का सिग्नेचर वाला पोर्शन है ना वो बिल्कुल आप लोगों का ब्लैंक आता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिल्कुल ब्लैंक है, बाकी जो पैन कार्ड आप लोगों का जैसे ही बनाए होते हैं ना वैसे ही आप लोगों का 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। अब आप लोगों ने प्रूफ देख लिया, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने बताया ना नॉर्मल है, जैसे आप लोग सारे पैन कार्ड बनाते हैं ना उसी तरीके इसको भी आप लोगों को बनाना है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो कस्टमर है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है ना वो उसके पास एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पेमेंट के बाद उसको 2 बार OTP डालनी पड़ेगी। जब आप 2 बार OTP डाल देंगे तभी उसकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट होगी और 2 घंटे के बाद पैन कार्ड जनरेट होकर उस मेल आईडी पे आ जाएगा जो मेल आईडी आप लोगों ने डाली होगी। आई थिंक गाइज आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो ना तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को जनसेवा केंद्र से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है MrFaizu0713। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप जो भी मैसेज करेंगे ना मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।